देखिए ये तो बड़ी एक तरह से अच्छी बात है कि ये अपना जिंदगी में कोई इंसान दौड़ता रहता है, और 10-15 किलोमीटर दौड़ना स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, और स्वास्थ्य के साथ साथ वो इम्यूनिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे कोविड का हम देख रहे हैं प्रकोप आ रहा है और नंबर कम हो रहे हैं और ठीक होने वाले ज्यादा हो रहे हैं और लॉकडाउन भी रिलैक्स हो गया है, उसमें जब आप दौड़ें तो ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, थोड़ा नहीं एक्चुअली दौड़ने वालों को ज्यादा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो ओपन जगह पे दौड़ते हैं और 2 मीटर 2 गज की दूरी काफी नहीं होती है, वो 4-5 दूरी। जहां तक खाने की बात है, जब कोई भी इंसान 10-15 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसकी खुराक जो है 1.5 गुना हो जाती है आमतौर से। तो पहले तो उनको कैलोरीज लेनी है, दूसरा उसको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, और तीसरा अगर आप संतुलित आहार लेंगे आपको कोई एडिशनल चीज की कोविड के लिए फाइट करने में जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग जो कि योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आयुर्वेदा करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, उसमें आयुष मंत्रालय ने काफी सुझाव दिए हैं जिसकी वजह से आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, इम्यूनिटी उसमें ऑटोमेटिकली फिर हृष्ट पुष्ट शरीर में मजबूत होती है, उसका भी वो सेवन कर सकते हैं। इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई गलत चीज का सेवन ना करें, जैसे मदिरा का सेवन करना आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है और वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है। जी बिल्कुल। धूम्रपान आपके फेफड़ों को नुकसान कर सकता है सिद्धांत जी। जी जी। और फेफड़े ही हैं जो कि कोविड में जाते हैं, और फेफड़े ही हैं जो कि आपको दौड़ने में मदद करते हैं।